एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश के सबसे बड़े राज्य से चुनावी समर्थन हासिल करने के लिए आज लखनऊ दौरे पर है। द्रौपदी मुर्मू जहां बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ साथ सहयोगी दलों से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा वह गैर भाजपा दलों से भी समर्थन मांगेंगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। देश का सबसे बड़ा प्रांत होने के नाते उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। बता दें कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने तृणमूल के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। तो आज यूपी प्रचार पे निकलेंगी द्रौपदी मुर्मू, साथ ही विधायकों और सांसदों से समर्थन मांगेंगी, उनसे मुलाकात करेंगी। वहीं योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्रियों की अगवानी करेंगे और कहा जा रहा है कि एक जो है बड़ा प्रभाव जो है यूपी का है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा राज्य है भारत का। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में एक अहम भूमिका निभाएगा यूपी। साथ ही आज द्रौपदी मुर्मू जो सहयोगी दल हैं उन सभी के विधायकों और सांसदों से भी मुलाकात करेंगी। विपक्ष के जो सांसद विधायक हैं उनसे भी समर्थन मांगेंगी। तो आज पूरी तरह यूपी दौरे पर रहने वाली हैं राष्ट्रपति एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। इस पूरे दौरों में सभी विधायकों और सांसदों से मुलाकात की जाएगी।